पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महानगर कांग्रेस कमेटी चौमक्का पुल स्थित कार्यालय पर महानगर कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी आगामी रैली को लेकर चर्चा की व महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद के अध्यक्ष श्री अनुभव मेहरोत्रा को पूर्ण आश्वस्त किया गया कि आगामी रैली को लेकर आरटीआई प्रकोष्ठ को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका तन मन से कड़ी मेहनत के साथ रैली को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आरटीआई प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष भारतीय परवेज इस्लाम ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या को लोकतंत्र की हत्या बताया। आगे कहा, जब स्वतंत्र लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी और हत्यारे खुलेआम घूमते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जनता कानून अपने हाथ में लेकर हत्यारों से बदला सहेगी और ये देश जनतंत्र पर चलने को मजबूर हो जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। इस दौरान उन्होंने अपनी हत्या की भी आशंका जताते हुए कहा कि सन 2014 से बिजली विभाग के भ्रष्टाचार अवैध वसूली से आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं। कई बार अज्ञात धमकी मिल चुकी है, पता नहीं कब बिजली विभाग मेरी हत्या करा दे, जिसका जिम्मेदार बिजली विभाग जिला प्रशासन होगा। इस दौरान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी आरटीआई प्रकोष्ठ में निमन को ज्वाइन किया गया, जिसमें एहसान अली महानगर उपाध्यक्ष, अफसर मलिक महानगर महासचिव, आदिल खान अध्यक्ष विधानसभा, आरिफ मलिक महानगर सचिव, फैजान अली सदस्य, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जो महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक कराई गई, उसका उद्देश्य यह है कि जो आने वाली राहुल गांधी जी की रैली है उसको लेकर सवाल आने के, तमाम जो कांग्रेस के विभाग हैं या प्रकोष्ठ हैं उन सबकी मीटिंगों को बुलाया जा रहा है। उन लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी की रैली में वो कैसे कामयाब बनाना और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है।